अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए व सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिही व सहबिही अजमाइन अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کردے ہیں فرماندے نے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا सलासतुन तीन आदमी ऐसे हैं ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल कियामा के जिन्ना दे नाल अल्लाह ताला कियामत वाले दिन गल नहीं करेगा बात नहीं करेगा कलाम नहीं करेगा वला यंजुरु इलैहिम ना उन्ना दी तरफ अल्लाह ताला नजरे रहमत करेगा वला युज़क्कीहिम ना उन्ना नू गुनामा तो पाक करेगा वलहुम अज़ाबुन अलीम ते उन्ना वास्ते दर्दनाक अजाब है। भाइयो बड़ी वड्डी नसीहत है जो प्यारे आका जनाब हज़रत मुहम्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीसे मुबारका दे अंदर करनी है, और अगर उस नसीहत ते असी अमल कर लैने हाँ फिर तो हाँ कामयाब, ते जे उस नसीहत ते कामयाब अमल नहीं कीता ते कामयाब नहीं होए ते फिर एडा वड्डा खसारा होएगा कि अल्लाह ताला ना तो कल कियामत वाले दिन साडे नाल कलाम करेगा ना साडी तरफ अल्लाह दी नजरे रहमत होएगी ना अल्लाह सानू गुनाहों तो पाक करेगा, बल्कि की है कि दर्दनाक अजाब अल्लाह ने तैयार कर रखे है उन्हां लोगों वास्ते जेड़े अल्लाह ताला दे हुक्मां नू नहीं मनदे और प्यारे आका जनाब हज़रत मुहम्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तालीमात ते अमल नहीं करदे। वो तीन बंदे केड़े ने जिन्ना नाल अल्लाह ताला कलाम नहीं करेगा, नज़रे रहमत नहीं करेगा, उन्हां नू गुनाहों तो पाक नहीं करेगा और उन्हां वास्ते दर्दनाक अजाब ने। पहला बंदा वो जेड़ा अपनी तहबंद शलवार सलवार पजामा पैंट वो गिटिया तो थले रख दे। असी मामूली जहा मसला समझने ना, असी कहने असी माशरे के अंदर रहना है, लोगों के अंदर रहना है, साडे च रिवाज नहीं। जेड़ा सलवार तहबंद चादर टखनिया तो थले करदा है उची रखदा वो तो बंदा असनो अजीब जहा मालूम हुंदा है। माशरे के अंदर चलन वास्ते अपने आप नू सोना बना के विखाण वास्ते लोगों के अंदर असी की करने अपनियां चादरां अपनियां सलवारां अपनियां पैंटां गिटिया तो थले रखने, असी कहने कि हुण असी सोने लगे, मगर की होएगा? अल्लाह नजरे रहमत नहीं करेगा, अल्लाह साडे नाल कलाम नहीं करेगा, सानू गुनाहों तो पाक नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर, दर्दनाक अजाब तैयार कर रखे है ऐसे नाफरमाना वास्ते अल्लाह ताला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हदीस बयान की थी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस दे रावी ने कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया,
ला यंजुरुल्लाहु इला मन जर्रा आजारहू बतारा। अल्लाह ताला उस दे तरफ नजरे रहमत नहीं करेगा जेड़ा तकबर दे नाल अपनी सलवार चादर गिटिया तो थले कर दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला नूं पता चलिया, आके कहन लगे या हज़रत मैं कोशिश तो बड़ी करना पर मेरी चादर उसका कोई ना कोई नुक्कर कोई ना कोई जगह वो गिटिया तो थले चली जाती है मेरे वास तो बाहर होके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया अबू बकर तू उन्हां लोगों च नहीं जिन्हां वास्ते वईद आई ना, तू उन्हां लोगों च शुमार नहीं, तेरी चादर थले चली भी जावे तो अल्लाह ने तेरे माफ़ किए ने। अल्लाहु अकबर, तू उन्हां लोगों च शुमार नहीं। अबू बकर तेरे दिल के अंदर जो तकवा है तहारत है ये अल्लाह ताला ने तेरे ईमान नू जांच लिया, तेरी चादर थले भी चली जाए तू उन्हां लोगों का शुमार नहीं होएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला नो वो शख्सियत ने जिन्ना ने बगैर सोचे समझे अकल फहम दौड़ाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमा दिता कि मेरे को जिबरील आया वो ऐ वही लेके आया इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम। अल्लाहु अकबर, कुरान पाक दी आयतें सुनाइया कि ए मेरे को जिबरील आया पैगाम लेके आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अकल नू पासे रख दिता, फरमाया ओ मेरे प्यारे महबूब तेरी जुबान चो कदे झूठ निकलिया ही नहीं, तू कह दिता है तो मैं मन लिया, मैं उस वेले ही मान लिया ना कि तेरे को जिबरील आए ने, तू अल्लाह का नबी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने एक सैकेंड की देर भी नहीं की, पूछया भी नहीं दोबारा, इन्नी देर भी नहीं की, मैं किसी नाल मशवरा ही कर ला, जो कह दिता उस वेले ईमान लैन दे। हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सुबह ही सुबह अबू जाल ना मिल गया, कह लग्या मुहम्मद कोई नवी सुना। सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फरमाया ये जी सुनावागा हैरान रह जाएगा कि रातों रात अल्लाह मैनू लै गया बैतुल्ला शरीफ तो मस्जिद बैतुल मुकद्दस तक मस्जिद अक्सा तक। मस्जिद अक्सा जदों मैं पहुंचा सारे पैगंबर जमा सन, उन्हां दी इमामत कराई नमाज पढ़ाई, फिर अल्लाह ताला मैनू उत्थों सत्तां आसमाना तो उपर लै गया, पहले आसमान दूसरे तीसरे चौथे पंजवें सतवें सिदरातुल मुंतहा। अल्लाह ताला नाल गल्लां कीतियां, अल्लाह दी जन्नत भी वेखी। अल्लाहु अकबर, उत्थे मैं लोगों नू भी वेखिया, मैं उन्हां नू पहचानिया भी, ते रातों रात मैं वापस भी आ गया। अल्लाहु अकबर, कहन लग्या ए मुहम्मद अपने कदम चुकना जमीन तो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने कदम चुकिया, सज्जा कदम चुकिया, कहन लग्या दूजा भी चुक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सज्जा रख दिता, खब्बा चुक लिया, कहन लग्या एवें नहीं वह भी चुकी रख ते यह भी चुक। कहन लगी एवें नहीं हुंदा, एक कदम चुकांगा ते एक रखांगा। कहन लगे एक कदम चुकिया दूसरा चुकिया नहीं गया, तू कहना मैं सत्ता आसमाना तो पार गया। अल्लाहु अकबर, वो वराए हफ्त फलक गए, वो वराए हफ्त फलक गए कि जहां नबी न मलक गए, वो मकाम कुरब तलक गए, जो नेहा थे पलक झपक गए, बलगल उला बिकमाल ही। उसे खुद खुदा ने बुला लिया, उसे मर्तबा ये बड़ा मिला, उसे क्या दिया उसे क्या मिला, उस जो दिया दिया जो मिला मिला, बालागल उला बेकमाली। कहन लग गया एक कदम चुकिया दूसरा चुकिया नहीं गया, ते तू कहना मैं सत्ता आसमाना तो पार गया ते बैतुल मुकद्दस गया। कहन लगे तू समझिया नहीं, मैं किदों आख्या मैं गया, मैं आख्या मेरा अल्लाह मैनू लै गया, मैं चाहवा तो एक कदम चुकया दूसरा मेरे को चुकया ना जाए, जे अल्लाह ले जाना चाहे तो क्या ले जा नहीं सकता। अल्लाह ताला फरमाते ने सुबहान अल्लज़ी असरा बे अब्दिही लैलम मिनल मस्जिद अल हराम इलल मस्जिद अल अक्सा। पाक है वो जात अल्लाह दी
जिसने सैर कराई अपने बंदे नू मस्जिद हराम तो लैके बैतुल मुकद्दस तक। अल्लाह अकबर। ते चलदिया चलदिया सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक ना आ गए। ये कहन लग्या कि मौका मिल गया आज इसनू झूठा करन दा। अबू जाल कहिंदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू झूठा करन दा मौका मिल गया, आज तां इहदी गल बनाने। ते सामने मुलाकात किस दे नाल हो गई? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल। कहन लगे कोई बंदा आके कि रातों रात मैं बैतुल मुकद्दस भी गया ते सत्ता आसमाना ते भी गया ते वापस भी आ गया, ये गल करे कोई ते मन्नी जाएगी? कहन लगे मन्नन वाली तो नहीं। कहन लगे तेरे यार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने कही। कहन लगे जे उसने कही तो वो है ही सच्चा, फिर वाकई हो गया क्योंकि उसने कदे झूठ बोलिया ही। अल्लाह ये है तस्दीक। ये ने वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला नु जदो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि रोजेदारा नु बाबू रयान तो आवाज वजेगी, जिसने नमाज दे अंदर कमाल हासिल किया उन्हों बुला बाबू सलात चो जन्नत दे दरवाजे चो आवाज वजेगी, जिसने सदका खैरात च हुसन कमाल हासिल किया उसनू बाबू सदका दे अंदरों आवाज वजेगी। इस तरह सारे नु जिस जिस अमल दे अंदर उसने कमाल हासिल किया जन्नत दे अठ दरवाजे ने उन्हां चो अलहदा अलहदा आवाज वजेगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला नु अर्ज करते ने या हजरत कोई ये जा भी होएगा जिन्हों अठा दरवाजे चो आवाज वजेगी? फरमाया हाँ हाँ अबू बकर ऐसा भी होएगा, और मैं उम्मीद करना जिसनू अठे दरवाजे जन्नत दे पुकारनगे आ जा मेरे अंदर चला जा वो अबू बकर तू होएगा, तैनू आवाज वजेगी जन्नत दे हर दरवाजे चो। इन्हें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला नू इन्हां दे मुतलक प्यारे आका जनाब हजरत मुहम्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया अबू बकर तेरी आजार बंद गिटिया तो थले भी चली जाए तू उन्हां लोगों के अंदर शुमार नहीं जेडे तकबर की वजह तो अपनी चादर छड़। अल्लाह अकबर। अज कोई ये आदमी आखे जिवें हजरत जाबर बिन सुलेम रजी अल्लाह ताला नू बयान करते हैं कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया अपनी चादर ऐ जाबर अपनी चादर अद्धी पिंडली तक रखिया कर, अद्धी पिंडली तक। चादर कितों तक रखनी चाहिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म की है पिंडली अद्धी पिंडली तक चादर रखनी चाहिए। फरमाया अगर नहीं मने तो फिर गिटिया ना छूवे तेरी चादर, फिर गिटिया नू ना छूए, गिटिया तो ऊपर ऊपर रखिया कर। अगर तेरी चादर गिटिया नाल लगी ते ए तकबर होएगा ते अल्लाह ताला नू तकबर पसंद नहीं। अगर तेरी चादर गिटिया नू जाके छू गई ए तकबर होएगा ते तकबर अल्लाह नू पसंद नहीं। बड़े सारे लोग कहने असी तकबर नाल नहीं छड़ी वैसे ही छड़ी, और वैसे ही छड़ना यही तो तकबर है। तकबर नू सिंग लगे ने, तकबर किवें पता लगेगा तकबर की है? जेड़ी चादर सलवार पैंट असी थले करने गिटिया तो असी चादर सलवार थले करिए ते आखिए असी तकबर दी वजह तो नहीं छड़ी वैसे ही कीती। ते तकबर किसनू कहिंदे? इसे चीज़ नू तकबर कहिंदे ने जेड़ी असी सलवार चादर तय बंद गिटिया तो थले करने, इसे चीज़ का ना तकबर है। हजरत उमरे फारूक रजी अल्लाह तआला नू खंजर लग्या जख्मी हालत के अंदर पै ने, उन्होंने सहाबा घर के अंदर लै आए, उन्होंने शरीद बना के दिता, उन्होंने पीता, वह अंतड़िया कटिया गई सारा बार दार चला गया। लोग खैरीयत वास्ते आ रहे ने, एक आदमी आया आके कहन लग्या या हजरत तुसी खुश हो जाओ इस वास्ते के रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम की तुसी सोबत दे अंदर रह जे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम ते जिन्ना ने ईमान लिया उन्हां चो तुसी पहले जे, और फिर तुसी खलीफा अमीरुल मोमिनीन बने ते तुसी दुनिया ते अदल कायम कीता, तुसी दुनिया ते अदल कायम कीता। इस वक्त अल्लाह ताला नू तुहाडी शहादत मंजूर सी, तुसी अल्लाह दे रस्ते दे अंदर शहीद होए जा रहे जे। ये गल्लां करके वह चलिया, वेख्या उसकी चादर केड़ी ना गिटिया तो थले जा रही सी।
हज़रत उमरे फारूक हालांकि इस हालत के अंदर ने कि अंतड़ियाँ कटियां हुई ने जख्मी हालत के अंदर और फरमाया वो लड़के नु बुलाया जे जिहड़ा हुणे मेरे नाल गल्लां करके गया उन्हें बुलाया जे उन्हें बुलाया फरमाया यबना आखी ओ मेरे भाई दे बेटे इरफा सौबका फइन्नहू अनका लिसौबका वअतका लिरब्बका ओ मेरे भाई दे बेटे ओ मेरे भतीजे आदि चादर नू आदि कपड़े नू उठा के रख तेरे कपड़े नू ये साफ रखेगी ते परवरदिगार दे करीब तैनू कर देगी उसका डर तेरे दिल दे अंदर तकवा तेरे दिल दे अंदर आ जाएगा तैनू मुत्तकी बना देगी। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने खुरैम असदी के बारे फरमाया सी जेड़े तेरे वाल आ कंध्या तो थले जाते ना कई ने बड़िया बड़िया लम्मिया लिटा रखिया होंगे ने ते बार रखे होंगे ने जेड़े ये तेरे वाल कंध्या तो थले जाते ना इन्हां नू अगर तू कटा लवें तो जेड़ी तेरी तह बंद बहुत ही लमकदी है इनू थोड़ा जा उच्चा रखे ना तू इंसान बड़ा चंगा है। अल्लाह अकबर। या किसी ने फरमाया कि वह बंदा बड़ा चंगा है पर उनके वाल बड़े बड़े लम्बे ने तो उनकी चादर गिटिया तो थले जाती जब पता लग्या उसने उसने फौरी अपने वालों छोटा कराया तो अपनी चादर उपर रखिया और उस तो बाद कदे उसने वाल अपने व्डे नहीं रखे और कदे उसकी चादर गिटिया तो थले नहीं आई। वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के फरमूदात इस तरह मानते सन और मैं तुहाडे सामने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पढ़ी उसके अंदर फरमाया कि अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला उस बंदे नाल कियामत वाले दिन कलाम नहीं करनगे उस दे ना उस दी तरफ नजरे रहमत नहीं करनगे और उसनू गुनामा तो पाक नहीं करनगे बल्कि दर्दनाक अजाब होएगा उन्हां बंदियां नू जिहड़ा अपनी चादर तय बंद गिटियां तो थले रख दे। दूसरा बंदा कौन है? फरमाया एहसान जतलाण वाला। एहसान जतलाण किसी के नाल नेकी करिए तो फिर एहसान जतला जतला के उन्हों बर्बाद ना कर दी उन्हों तकलीफ ना दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है जे किसी नाल नेकी करो तो उन्हों भूल जाओ किसी नाल नेकी की सी दोबारा उन्हों चेता भी ना कराओ ताकि उसनों तकलीफ ना पहुँचे तुहाडे एहसान दी। साडा एहसान अजीब किस्म का जकात साढ़े तो फर्ज है ना फर्ज जकात देनी ना सब तो पहले तो असी कोशिश ये करनी कि वह बंदा लभीए उन्हू देिए जिहड़ा कल साढ़े काम आवे साड़ी मंजी टुटी है तो गंढ देवे उन देवे जे सानू लोड़ बने कलर सिटन की तो नाल साढ़े आके कलर सटावे जे पानी वास्ते बंदा कूनी तो नाल जे थ्रैशर ते जाना पवे तो वह बंदा सानू हर मौके पर काम देवे असी जकात वेख के उन्हू देंगे। जकात फर्ज है तेनू तो शुक्र करना चाहिए कोई गरीब माड़ा कमजोर बंदा लभ गया जिसन तेरा पैसा गया चला तो तेरी जकात लग गई वरना तू लभदा फिरे तो कोई ऐसा बंदा ही ना लभे जिथे तेरी जायज जकात पहुंचे उस हकदार तक जे किसी हकदार तक पहुंच गई है तो तू यही फिरना कि मैं उस बंदे नू लै जावा राती जाके उनके को पानी लवावा पट्ठे वढ़ावा तो डंगरां नू पावा तू तो इस किस्म का बंदा। अल्लाह अकबर। हुण फितराना देना तो असी ऐसा बंदा लभना है फितराना देने वास्ते जेड़ा कल साढ़े काम ही आवे जेड़ा कल साढ़े काम आवे ऐसा बंदा असी लभना है। अल्लाह के बंदे तुसी नेकी कर दे जे अपने जिम्मे फर्ज ला दे जे कि तुसी उन्हों किड़ा ना अपने एहसान का गर्वीदा बना दे पै जे उन्हों अपने एहसाना थले दबाने वास्ते काम कर रहा है जे कि असी तेरे नाल बड़ी नेकी की वह बेचारा मजबूर गरीब बंदा वह तो इस वास्ते करता है कि मैं अगर अज इन आखे नहीं ना लग्या तो कल इस जकात के फितराने के पैसे किसी होर पासे दे गए मैं गरीब बंदा चलो मेरा इस तरह सर जाता वो तो अपना यह सारा कुछ सोचेगा लेकिन तेरा पैसा बर्बाद हो गया अल्लाह की नजर तू मुजरम बन गया तू गुनाहगार बन गया। अल्लाह अकबर। दूसरा बंदा वो जेड़ा कि किसी नाल नेकी करके एहसान जतांदा है ये बंदा भी वो है कि कल कियामत वाले दिन अल्लाह ताला उस दे नाल कलाम नहीं करनगे नजरे रहमत नहीं करनगे इसनू गुनाहों तो पाक नहीं करनगे बल्कि इस दे वास्ते दर्दनाक अजाब। अल्लाह अकबर। तीसरा वो बंदा जेड़ा झूठियां कसमां चुक चुक के अपना माल बेचदा अल्लाह की कसम मैं तो इन्ने का लिया मैनू तो इन्हें चो बजदा ही कुछ नहीं पाया तैनू तो मैं एवं देता पाया अल्लाह की कसम अल्लाह की कसम चुक चुक के अपना माल बेचद तेरा अपना माल है तेरे को कसम लई किन्ने कि तू कसम उठा 100 रुपए का माल चलो 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए भी तू उन्हें उत्ते कमा लवें
इस नूं तां मुनाफा कहा जाएगा, लेकिन दस दी चीज सौ दी वेचे इस लुट नूं मुनाफा कौन कहिंदा है, इस नूं कारोबार कौन कहिंदा है। दसां दी चीज लैके उहदे उत्तों सौ कमाए, यह तो डाका है, ये तो चोरी है, ये तो जुल्म ते ज्यादती है, इस नूं मुनाफा नहीं कहा जाता। सौ ते दस रुपये कमा लवे, पांच रुपये कमा लवे, चलो ये तेरा मुनाफा समझिया जाएगा, ते फिर कसमा चुकन ते तेनू किसने मजबूर किया, झूठिया कसमा चुक के अल्लाह का नाँ दरम्यान च लै के अल्लाह नू गवाह बना के अपनिया माला माल वेचना। अल्लाह ताला फरमांदा कल क्यामत वाले दिन आज लैंदा मेरे को, मैं इस दे नाल कलाम भी नहीं करांगा, इस दी तरफ नजरे रहमत नहीं करांगा, इस दे जिन्ने भी गुनाह होए इस नू गुनाहां तों पाक नहीं करांगा। अल्लाह अकबर, इस दे वास्ते मैं दर्दनाक अजाब रखे। एक तो असी कंडे रखे ने, तकड़ियां एजियां रखियां ने, लैन वाला होर रखिया, देन वाला होर रखिया, लैन वास्ते असी देसी कंडे रखे ने, झुकदा रहांगे पता नहीं लगेगा किन्ना ग्राम वाधा आ गया, देन वास्ते असी ऐटोमैटिक रखे कंप्यूटराइज्ड कंडे कि लोगों नूं पता चले एक ग्राम उत्ते हो गया, दो ग्राम उत्ते हो गया, जिवें सोना तोल के दे रहा है। अल्लाह अकबर, लैन वास्ते अलहदा कंडे, देन वास्ते अलहदा कंडे। जो दुध लेंदे ना किसी को जिम्मेदार को उदो लेंदे गड़वियां नाल, ते गड़वियां भी रखिया जेडे किलो की सवा किलो होंदी, ते जदों देना उदो लीटर दे पैमाने रखे ने जिंदे नाल किलो पूरा भी नहीं हुंदा, फिर वह भी इन्हें करन ते एक होर चीज़ दे, फिर उन्दे च भी पानी मिलांदे मिक्स करदे ने, रात फ्रिज च रख के सवेरे करीम ला के ते वह वेचदे ने, जे दिने आ गया ते उन्हूं अग ते रख के काढ़ के उत्तों मलाई ला के ते बाकी वेचदे ने। अल्लाह, हर काम च मिलावट, हर काम च धोखा, इन्ना इन्ना धोखा। जे कपड़े वाले को चले जाओ किसी होर को, पहले तो हुकूमत नूं गाला कढ़न के उन्हें हर चीज़ महंगी करती, एक दो गाला कढ़ के सौ दी पांच सौ च वेचणगे, क्योंकि हुण मैं गाहक नूं मुतमिन कर लिया कि साढ़े तो बस रह ही कोई नहीं गया, सानू तो पिछों हुकूमत ने इन्ना क मजबूर कर रहा। किन्नियां अखां च धूल चोक दे, किन्नू एडा पता नहीं, मजबूर गाहक बेचारे वो तो लै ही जाणगे, लेकिन क्या अल्लाह नूं भी धोखा दे रहे, अल्लाह ताला नूं पता नहीं जो कर रहे जे। लोगों तो नहीं अल्लाह को डर, जदों साडे दिलां दे अंदर अल्लाह का खौफ आ गया फिर असी बचांगे। जेड़ा अपने माल नूं झूठियां कसमां चुक, मैं कहना झूठी ना भी होए, कसम चुक के अपने माल नूं वेचण दा किन्ने असूल बनाया, तेरा माल है तेरे जाती, तेनू वारा खांदा तू दे, नहीं वारा खांदा ना दे, उन्हूं कह भाई मैनू इस तो घट वारा नहीं खांदा, कसम चुकन दी लोड़ केड़ी, उन्हूं कह भाई मैनू इस तो घट वारा नहीं खांदा, कसम चुकन दी लोड़ केड़ी, ते झूठी कसम चुक के अपना माल वेचना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी वह बंदा है कि कल क्यामत वाले दिन इस दे नाल भी मैं कलाम नहीं करांगा, इस दी तरफ नजरे रहमत नहीं करांगा, इस नूं गुनाहां तों पाक नहीं करांगा, बल्कि इस दे वास्ते दर्दनाक अजाब है। अल्लाह ताला सानू अपनियां गलतियां नूं संवारन दी तौफीक दे, इसलाह होए साडी। इस वास्ते ही मैं बयान कीता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इस फरमान नूं, बड़े गौर दे नाल सोचना है। गिट्टियां तों थले मर्दां दी सलवार, मर्द हजरात दी चादर सलवार तैबंद नहीं आनी चाहिए, असल इसका मुकाम है अद्धी पिंडली, जिस तों ढलकदी ढलकदी थले आवे भी तो साढ़े गिट्टियां नूं ना छूवे। जिन्ना हुक्म सख्त मर्दां वास्ते कि गिट्टियां तों उच्चे सलवार रखो, इन्ना सख्त औरतां वास्ते पैगाम है कि अपने गिट्टियां नूं नंगा ना करन, उस दे गिट्टे उन्हां दीआं सलवारां दे नाल कज्जे हुए होने चाहीदे ने, इन्ना सख्त पैगाम उन्हां वास्ते। दूसरी तरफ है एक ये पैगाम, दूसरा ये कि किसी नाल नेकी करिए तो उन्होंने एहसान जितला के परेशान ना करिए, दोबारा चेते करा करा के मैं फलाने टाइम तेरे नाल काम नहीं आया सी, फलाने टाइम काम नहीं आया सी। मैं पिछे साहिवाल हुंदा सी, एक बंदा जदों भी बोलता ना दूसरा बंदा उन्होंने बोलन नहीं सी देंदा, वह पता की कहिंदा, आ कहिंदा सी जफरा तू नहीं बोलता तेरिया रगा च मेरा खून बोलता है। अल्लाह, वह बीमार हो गया, एक बार जख्मी हो गया, सट लग गई, तो उसने खून अपना काढ़ के ना उसनू दिता सी, जो उन्हें जिंदगी चो पता नहीं किदों की गल सी, जदों बोलता कहिंदा जफरा तू नहीं बोलता तेरिया रगा च मेरा खून बोलता है, मैं खून की बोतल, यानी इस अंदाज दे नाल किसे नू परेशान करना, तू बड़ा माड़ा सा गरीब सा, मैं तेनू पैसे दिते ते मैं तेरे नाल फलाने वक्त काम, तू जेड़ा काम आया उसका सिला अल्लाह देगा,
कोई मोमन मोमन दे काम आंदा है, बंदा बंदे दा दारू है, बंदा बंदे दे काम आंदा है, उसकी जजा अल्लाह देगा इंशाअल्लाह। और तेरे बगैर कहन तो किसी वक्त हो सकता है तेरे नाल ज्यादा वह तेरे काम आवे, लेकिन एहसान जतान दा नहीं और झूठिया कसवा चुक के माल वेचन दा नहीं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हां कामां तो मना किया, सानू रुक जाना चाहिए। अल्लाह ताला तौफीक दे। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या रब्बे लकल हम्दु कमा यंबगी लजलाल वजहिक वल अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। नस्तईनु बिल्लाहि व नतवक्कल अलैहि हसबुनल्लाहु व निमल वकील। ला हौला व ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अज़हिब अल-बास रब्बन नास वश्फि अंत अश्शाफी। ला शफा इल्ला शफाउक अशफा ला युगादिरु सक़मा। रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। اللهم اغفر لأسلافنا وأفرادنا وسبقنا الإيمان. اللهم إنا نعوذ بك من الشكاك والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجزام والجنون وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والقلة والذلة. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من المعصم والمغرم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك.